हेलो फ्रेंड्स, मैं कुक विथ मीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नई तरीके से झटपट और एकदम हेल्दी नाश्ता। इसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है, इसे बिगनर्स भी एकदम आराम से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं इसे हम बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ले लिया है और उसी कप से नाप के 1 कप छाछ ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल सके। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है, देख सकते हैं सूजी कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसमें हम 1-2 चम्मच पानी डाल के इसका बैटर को सही कर लेंगे। ये एकदम सही सा बैटर बनके तैयार हो चुका है। हमने इसमें लगभग 3 टेबलस्पून पानी डाला है, अब ये सही है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती ले लिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ वैसा सामान नहीं लगता है, ये एकदम आराम से घर में पड़ी चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर करें। अब हम इसे स्पॉन्ज और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इसके जगह पर मीठा सोडा भी ले सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस इसे हमें मिक्स करना है। ये अब बनके तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने पैन रख लिया है, पैन गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल लगा लेंगे। हमने जो घोल तैयार किया है उसे हम 1-1 चम्मच करके इस तरीके से पैन में डालेंगे। ये नाश्ता एकदम जल्दी से बनके तैयार हो जाती है, इसे कोई भी बिगनर्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पैन में फैला लेंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे। ये एकदम आराम से बनके तैयार हो जाती है, ये 1-2 ही मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे। बीच वाले को हम सबसे पहले पलटेंगे क्योंकि ये सेंटर में है तो ये जल्दी से पक जाती है। अब हम इसे नीचे के साइड से भी पलट के पका लेंगे। ये पक्के तैयार हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, देख सकते हैं कितनी स्पॉन्ज बनी है। इसी तरह हम बाकी को भी बना के तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारे नाश्ता को बना के तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हम 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। सबको हम अच्छी तरह से कड़क जाने देंगे। अब हम यहाँ पे स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे भी हम भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसी के साथ कुछ सब्जियाँ ऐड कर लेंगे।
हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई गाजर ले लिया है। बीन्स ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे। एक छोटा साइज का कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आपके पास जो भी सब्जी हो आप उसे ऐड कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। सब्जियों को भूनते समय फ्लेम को आप हाई में कर लें। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। हमने बैटर में भी नमक का हुआ है, इसीलिए इसमें हम अंदाज से नमक को ऐड करेंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियाँ हल्की करंची भून चुकी है, इसमें हम एक टेबलस्पून सेजवान सॉस ऐड करेंगे। इसी के साथ हमने एक टेबलस्पून टमाटो केचप ले लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। टमाटो केचप इसमें डालने से इसमें हल्का सा मीठापन आ जाता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हम यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, और इन सब्जियों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे जो बना के रखा है नाश्ता उसे ऐड कर लेंगे। इसे हम सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता एकदम जल्दी से बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी है, तो इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आज का नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी है। आप भी इसी तरह अपने बच्चों को बना के दे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। इसे आप लंच या डिनर में भी बना के खा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी इसे आप दे सकते हैं। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, तो इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।